नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, DSSB TGT टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 लगभग सभी सब्जेक्ट्स की यहाँ बात हो रही है, उनकी एग्जामिनेशन स्कीम आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। काफ़ी सारी आपकी क्वेरीज होंगी एग्जामिनेशन स्कीम से जुड़ी हुई, तो उनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSSB के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन DSSSB की तरफ से 12 जनवरी 2024 को जारी किया गया था और आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 मार्च 2024 थी। यहां वैकेंसियां थी TGT मैथ्स मेल की, TGT मैथ्स फीमेल, TGT मैथमेटिक्स की NDMC में आई थी और इसी तरह से TGT इंग्लिश की, TGT सोशल साइंस की, TGT नेचुरल साइंस की, TGT हिंदी की, TGT संस्कृत की, TGT उर्दू की, TGT पंजाबी की, ड्राइंग टीचर की यहां रिक्रूटमेंट आई हुई थी। पोस्ट कोड की जहां तक बात है, पोस्ट कोड 803/24 से लेके और पोस्ट कोड है इनके 811/24 तक। तो इनके जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो कुछ इस प्रकार से है। ये एग्जामिनेशन स्कीम है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड ड्राइंग टीचर की। पोस्ट कोड 803/24 से लेके पोस्ट कोड 811/24 तक, मतलब सभी इसमें शामिल है, सभी आ गए हैं। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए पोस्ट कोड 811/24 तक है और शुरू होते हैं पोस्ट कोड 803/24 से। तो इनकी एग्जामिनेशन स्कीम है, तो इनका 1 ईयर टेक्निकल टीचिंग एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के ही होंगे। जो आपका सेक्शन ए होगा वो आपका 100 नंबर का होगा। सेक्शन ए में आपके 5 पार्ट्स होंगे, 5 20-20 नंबर के होंगे। जो आपका सेक्शन बी होगा ये 100 नंबर का होगा, ये आपके कंसर्न सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होगा और टीचिंग मेथडोलॉजी और बीएड में जो आपने पढ़ाई की है उससे जुड़ा हुआ आपका ये 100 नंबर का ये सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए और बी पहले अलग अलग क्लियर करना आवश्यक था, मतलब पासिंग मार्क्स लेने आवश्यक थे सेक्शन ए में भी और बी में भी अलग अलग, तो उसमें बदलाव कर दिया गया है, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले आप ये देखिए, जो सेक्शन ए आपका है उसमें जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के, और सेक्शन बी आपका 100 नंबर का होगा। मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मेथोलॉजी बीएड। तो ये आपको पता लग गया है कहां से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और ये सिलेबस जारी किया जा चुका है। DSSSB ने सिलेबस जारी कर दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। सेक्शन बी का सिलेबस भी आ चुका है, सेक्शन ए का सिलेबस भी आ चुका है, वो जानकारी पहले मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। अब बारी आती है सेक्शन ए और सेक्शन बी की, कितने नंबर लेने आवश्यक है। तो दोस्तों, यहां साफ साफ लिखा हुआ है द एप्लीकेंट्स फॉर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट, पोस्ट कोड 803/24 से 811/24 तक के लिए द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन Tier 1 एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन बी विच इज डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। हाँ जी दोस्तों, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेने आवश्यक हैं वो सिर्फ सेक्शन बी के लिए हैं। हाँ जी दोस्तों, सेक्शन बी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेने आवश्यक हैं जो कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। पहले सेक्शन ए में भी पासिंग मार्क्स लेने आवश्यक थे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेने आवश्यक थे, पर अब वो नहीं है। यह साफ साफ लिखा हुआ है देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। सेक्शन ए के लिए मिनिमम कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, सिर्फ सेक्शन बी के लिए है। तो आप अब इस हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहले क्या हो रहा था, सेक्शन बी में कैंडिडेट्स के 100 में से 90 नंबर भी आ रहे थे, पर सेक्शन ए उनका क्लियर ही नहीं हो रहा था, तो इस वजह से वो मेरिट में नहीं आ पा रहे थे। तो अब उसमें बदलाव हो गया है, सेक्शन ए के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, पर सेक्शन बी के लिए दिए गए हैं। पर जो आपकी मेरिट प्रिपेयर की जाएगी वो कंबाइंड सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के मार्क्स जोड़ के ही प्रिपेयर की जाएगी। तो मेन जो सबसे बड़ी क्वेरी थी वो यही थी, ये क्वेरी मैंने आपको बता दी है। और मिनिमम जो पासिंग नंबर लेने आवश्यक है वो जनरल EWS के लिए 40%
ओबीसी दिल्ली के लिए 35%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30% और एक्स सर्विसमैन को जो भी उनकी कैटेगरी है उनमें 5% की अंकों में छूट मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, आप ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।